हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस। उसमें भी स्पेशली वो डिस्कस करने वाले हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हमें रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दिया है, तो चलो डिस्कस करते हैं। आफ्टर 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल ऑन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस। रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस रेंट पे दिया है तो उसमें जीएसटी एप्लीकेबिलिटी क्या है, और विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th जुलाई 2022। ओके, उसमें स्पेशली जीएसटी इज पेबल अंडर आरसीएम। तो यहाँ पे हम वो क्लेरिफिकेशन जानेंगे कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसमें जीएसटी एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो इसके बाद बहुत सारे डाउट रेज हुए कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर रेंट पे दिया है टू अ बिजनेस यूनिट फॉर अ पर्सनल पर्पस, देन व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। तो चलो जानते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टेकन ऑन रेंट। यहाँ पे हम सिनारियो वाइज देखते हैं कि क्या है सिचुएशन एग्जैक्टली। लेसर यानी कि जिन्होंने रेंट पे दिया है वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, और टेनेंट जिनके पास मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं है, जिन्होंने रेंट पे लिया है वो अनरजिस्टर्ड है, तो जीएसटी पेएबल आंसर है नो। ओके, लेसर है जीएसटी रजिस्टर्ड, उन्होंने रेंट पे दिया है रजिस्टर्ड पर्सन को, एंड यहाँ पे सिनारियो हमें देखना है कि रजिस्टर्ड केस में अगर पर्सनल पर्पस के लिए है तो आंसर है नो, बट अगर नॉन पर्सनल यूज के लिए है तो आंसर है यस। सिनारियो नंबर टू, अगर लेसर है अनरजिस्टर्ड एंड टेनेंट भी है अनरजिस्टर्ड तो आंसर है नो। लेसर है अनरजिस्टर्ड एंड टेनेंट है रजिस्टर्ड, यहाँ पे अगेन हमें देखना है कि फॉर पर्सनल पर्पस के लिए है तो आंसर है नो, अगर नॉन पर्सनल यूज के लिए है तो आंसर है यस। तो अगर मैं ये पूरा आपको समराइज वे में बताऊं तो अगर लेने वाला एंड देने वाला बोथ आर रजिस्टर्ड, प्लीज कीप इन माइंड, अगर लेने वाला एंड देने वाला बोथ आर रजिस्टर्ड पर्सन, देन यू मस्ट नीड टू चेक whether it is for personal purpose, then answer है no. अगर non personal use के लिए है, that means हम कह सकते हैं कि commercial purpose के लिए है, then answer है yes. Okay, this is the scenario number one. And अगर scenario number two देखते हैं तो अगर लेने वाला and देने वाला both are unregistered, तो answer है no. उसमें भी दूसरी कंडीशंस है, सॉरी सिनारियो है कि अगर देने वाला अनरजिस्टर्ड है और लेने वाला रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे फिर से हमें दो कंडीशन देखना है कि अगर पर्सनल पर्पस के लिए है तो आंसर है नो, नॉन पर्सनल यूज दैट मींस कॉमर्शियल यूज के लिए है तो आंसर है यस। तो ये थी इम्पोर्टेंट समराइज वे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस। ओके, तो ऐसे अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।